टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा रुकावट आ गई बीच में हमारे सेशन के, और हमारे साथ संदीप जी दोबारा से जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगी आपसे कि सर अचानक से कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमें बीच में प्रोग्राम रोकना पड़ा। कोई बात नहीं मैम, सब गुरु जी की ब्लेसिंग से कुछ अच्छा होना होगा और अच्छा हो गया। हाँ तो सर हम बात कर रहे थे मोबाइल नंबर के बारे में, तो सर आप बताइए उसके बारे में हमारे दर्शक जो इंतजार। मैम 20-25 साल पहले हम लोग जब जाते थे तो नंबर हमारे को चूज करता था, हम नंबर को चूज नहीं करते थे। हम दुकान पे गए, उसने कहा ये नंबर अवेलेबल है, हम कहते थे भाई दे दे, हमें ज़रूरत है हमें दे दे। हमें पता ही नहीं था कि ये नंबर हमारी ज़िंदगी की तबाही का कारण बन सकता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में तुलिका मैडम एक नंबर है 10x8, ये नंबर अभी यूज़ करते हैं जस्ट डायल वाले। जब से नंबर उनके पास आया उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है। रशिया में जिसके पास ये नंबर गया उसकी अननेचुरल डेथ हुई। रशियन गवर्नमेंट ने इस नंबर को बैन कर रखा है जी। सो पर्पस ये है बताने का कि हम मालूम नहीं है ऐसे ही कहने पे चल पड़ते हैं। लाइफ में 2 नंबर 4 नंबर और 8 नंबर सबसे बड़ा दुख तकलीफ के कारण हो सकते हैं। आज की डेट में अगर आप पोस्टपेड लेते हो प्रीपेड लेते हो आपको आपकी चॉइस के नंबर मिल जाते हैं, और उसके अंदर कोशिश यही करनी है कि 2 ना हो 4 ना हो 8 ना हो। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सबका टोटल जो है 5 पे आ जाए। ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। 5 नंबर जो है उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मरकरी का नंबर है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपकी अपनी और आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सबका टोटल जो है 5 पे ले आओ। जैसे 41 का 5 हो गया, 50 का 5 हो गया, 59 का 5 हो गया, 68 का 5 हो गया, आपने उसको समझना है बस। मोबाइल के अंदर 248 नहीं आएगा। बाकी तो क्या है कि जो कंसल्टेशन लेंगे या हम आगे प्रोग्राम में आपके थ्रू बच्चों को बताएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा अकाउंट नंबर, हम जब सरकारी बैंक में जाते हैं वो मना कर देते हैं, भाई साहब जाओ हमें नहीं देना आपका अकाउंट नंबर। लेकिन आज की डेट में प्राइवेट बैंक वाले हाथ जोड़ के देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको आपकी चॉइस का नंबर देता है, आपको जो भी चाहिए उसमें मिलेगा। सो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्यों हमें इनसे डिटैच होना है 248 से और लाइफ में बाकी नंबरों से हमें आशीर्वाद लेना है। अगर वो आपकी लाइफ में जुड़ चुके हैं तो तकलीफ परेशानी बढ़ के रहेगी। कल जैसे 10 तारीख है, कल से हम बताया करेंगे पूरा 1 नंबर के बारे में, 2 नंबर के बारे में, 3 नंबर के बारे में। तो कल भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। कल जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, कल हम उन लोगों की लॉटरी खोलेंगे, उनके बारे में कल आपको बताएंगे। सर आपने एक अभी एक बात बोला कि जिन लोग को पता नहीं है कि उनका डेट कौन सा है, मतलब पर ईयर पता है, तो वो लोग भी अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको डे नहीं पता, डेट नहीं पता, और पर उनको ईयर पता है अपने डेट ऑफ बर्थ का, और उनके लाइफ में काफी सारी समस्याएं हो रही है करियर से रिलेटेड, तो उन लोग वो लोग कैसे इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? कंसल्टेशन मैडम, कंसल्टेशन। बिकॉज देखो वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। डेट मंथ ईयर मिला के ही पूरी डेट बनती है, सिर्फ ईयर से काम नहीं चलेगा। Okay. उसके लिए फिर बैठ के प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, वो प्रॉपर कंसल्टेशन के अंदर ही काम हो पाएगा। और कोई दूसरा कोई समाधान नहीं है इसके लिए? दूसरा समाधान मैंने बता दिया ना, जब आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है आप अपने मोबाइल का टोटल, अकाउंट का टोटल, वो 5 पे ले जाइए। अच्छा जी। और सर आगे बढ़ाते हैं अपने इस कार्यक्रम को, जैसे हमने नंबर 2 के बारे में तो बहुत सारी चीजें जान ली, नंबर 2 जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मन के हिसाब से, चंद्रमा। इसको मदर का नंबर भी कहा गया है। नंबर 2 जो है ये कंफ्यूजन का नंबर है।
ऐसे लोग जो होते हैं वो लाइफ में आपको कंफ्यूज्ड ही दिखेंगे। ऐसे लोगों को हम कहते हैं लाइफ में जाना था जापान, पहुंच गए चाइना। घर से निकलेंगे कुछ सोच के, करने कुछ और जा रहे होंगे, करके कुछ और आ जाएंगे। मतलब अगर आप इनसे थोड़ी देर पहले पूछोगे ना कि आपने कॉफी लेनी है या कोल्ड कॉफी लोगे, तो मान लो वो भी उसके दिमाग में कुछ और कैलकुलेशन चल रहा है, वो कह रहा है कॉफी पिला दो। आप उनके सामने कॉफी ले गए, हॉट कॉफी, अरे मैंने तो कोल्ड कॉफी कहा था। वो अपनी कंफ्यूजन के अंदर ही जिंदा रहेंगे। कई बारी तो आप ये भी देखोगे कि वो घर से निकलेंगे मूवी देखने के लिए, मूवी को छोड़ के बाकी सारे काम करेंगे, मूवी नहीं देख पाएंगे। इतनी ज्यादा ये लोग कंफ्यूज आइडेंटिटी होते हैं लाइफ के अंदर। इनको जो है जितना हो सके पानी जब भी ये पिए, ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पिए। जितने नहीं, दो नंबर वाले कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तो हम सारे भी हो सकते हैं, पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/20 या 29 है, उनको हमेशा ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पीना है। पानी तो कभी भी हम पीते हैं ना, बट ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीने से हमारी लाइफ में वो जो आशीर्वाद मिसिंग है वो आना शुरू हो जाता है। आपने बात करी अभी कंफ्यूजन की, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है, करने कुछ जाते हैं, कर कुछ लेते हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे ओवर थिंकिंग भी एक रीजन हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करने का? जितने टू बढ़ेंगे तुलिका मैम, उतना लाइफ में टेंशन आएगी। आज आप देखो 2000 के बाद से सबके पास टू इंक्रीज होता जा रहा है। एक डेट आई थी अभी 22 फरवरी 2022, आपने भी देखा होगा, उस डेट में मैडम 6 बारी 2 आ रहा था, जो कि वर्स्ट है। ऐसे बच्चे जो पैदा होंगे उनकी लाइफ में हर्डल्स 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 भर भर के आएंगे, भर भर के आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम से बड़ा राम का नाम, अगर उनके नेम के स्पेलिंग और 248 पे आ गए तो वो वस्ट हो जाएगा। यहीं पे हमारा खेल शुरू होता है तुलिका मैडम, कि अगर नेम के स्पेलिंग ठीक नहीं है तो वो बच्चा सारी जिंदगी दुख तकलीफ में रहेगा। इवन उसके अंदर कुछ अपने आप को नुकसान करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। ऐसे लोग जो होंगे वो दूसरों की बातों पे कम ध्यान देंगे, अपनी बात को मनवाने में ज्यादा तवज्जो देंगे। मेरी फ्रेम फ्रीज हो गया तुलिका मैम, अभी सही है सर? नहीं मैम, मेरा फ्रीज आ रहा है। आपको परम सही तरीके से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? ओके मैम, ठीक है। सो है क्या कि लाइफ में जिनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो अमिताभ बच्चन जी भी 2 नंबर वाले हैं, राजेश खन्ना भी 2 नंबर वाले थे, ओशो जी भी 2 नंबर वाले थे, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो 2 नंबर वाले हैं, बट घबराना नहीं है। अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए रेडी हो, अपने नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करने के लिए रेडी हो, तो यही 2 नंबर आपके लिए आशीर्वाद भी हो सकता है। जी मैम, दो नंबर इतना महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारी जिंदगी में, या तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके चला जाएगा, या फिर वो पूरी तरह से इंसान को जो है परेशान कर देगा नेगेटिविटी के थ्रू, अपने नेगेटिव इम्पैक्ट के थ्रू। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो आपके मन का कारक है, और हम जो भी चीज करते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे को खुशी या दुख आता है, वो मन के कारण ही आता है। और आप देखोगे तुलिका मैम, जो 2 नंबर वाले होते हैं, जब कभी अकेले बैठे टीवी देख रहे होंगे तो इनकी आंखों से गंगा जमुना निकल आएगी, इतने ज्यादा ये व्याकुल हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं ये लोग। यस मैम,
फीमेल्स में टेंडेंसी ज्यादा होती है, मेल्स की भी होती है। सर नंबर टू के अलावा और कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सब चीज के ऊपर हावी करता है? ये जितना भी चीजें आपने बताई, कोई ये नंबर टू के अलावा कोई और भी नंबर इसमें मिला हुआ है या फिर सिर्फ ये नंबर टू का खेल है सारा? मैडम हर नंबर का अलग अलग खेल है। कल से हम यही बताना स्टार्ट करेंगे कि एक नंबर वाले कैसे होते हैं, दो नंबर वाले कैसे होते हैं, तीन नंबर वाले कैसे होते हैं। कल से यही चीज स्टार्ट करनी है। इसके अलावा एक नंबर है नंबर सेवन, वो लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं कहता हूं कि जब भी पानी पिए या तो चांदी के गिलास से पिए या ग्रीन वाटर बॉटल से पिए। मेनली मैडम क्या है कि पानी तो हमें पीना ही है और चांदी जो है अगेन मन का कारक है। चांदी का गिलास में सबसे ज्यादा प्योरिटी होती है। सो बहुत बच्चे आपको ऐसे भी दिखेंगे जो लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर आप उनको चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी से पानी पिलाना स्टार्ट करेंगे तो वो जो उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और बहुत बार कहा जाता है कि पीतल के बर्तन में भी खाना चाहिए, तांबे के उसमें पानी पीना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका कितना ज्यादा रोल है? मच बेटर है कि आप अगर पानी पीते हो तो ग्रीन वाटर बॉटल को ले लो, अगर बच्चा छोटा है तो उसको चांदी के गिलास से पिलाओ, वो मच मच बेटर रहेगा। और जैसे आपने अभी बात करी नंबर सात की, तो नंबर सात और किन किन चीजों में हेल्प करता है? नंबर सात आपको हायर एजुकेशन कराने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर सात जो है वो आपको ऑकल्ट साइंस में लेके जाता है। नंबर सात एक ऐसा नंबर है जो आपको भगवान से मिलाता है। कोई भी आप देखोगे, जितने भी अच्छे अच्छे हमारे समाज के अंदर जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पे या तो तीन नंबर वाले होंगे या सात नंबर वाले होंगे। अगर मैं गुरुजी की भी बात करूं तो गुरुजी इज आल्सो 7 जुलाई। मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई। यस यस यस। तो आप ज्यादातर देखोगे जितने भी महापुरुष या ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं पे ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं या कहीं ना कहीं पे भगवान से जुड़े हैं, तो वो सात या तीन वाले होंगे। जो लोग आप जी जी बताइए। एक सवाल था मेरा, जैसे आपने सिंगल डिजिट, जैसे सिंगल नंबर है 1 to 9, उनका तो कैलकुलेशन इजी है, समझ आ गया। अब जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ है डबल डिजिट यानी 12, 20, 28, इस टाइप के लोग, वो अपना कैलकुलेशन कैसे करें? बिल्कुल मैम, अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 तो वो 2 हो गया, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15 तो वो 6 हो गया। यस यस, किसी की 15 है तो 1+5=6 हो गया, किसी की 19 है तो 1+9=1 हो गया। बहुत सिंपल है। अब जैसे अब किसी का 28 है, ठीक है, तो 2+8=10 हो गया, 1 हो गया। फिर क्या? अच्छा, 0 हटा दिए, 1 हो गया उसका। बिल्कुल, उसको हमेशा सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं किसी की कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, वो या तो 1 होगी या 31 होगी, उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। और जैसे जिसका 29 है तो उसका 9+2=11 हो गया, तो यानी कि उसका भी 1 हो गया। 2 हो गया मैम, 2। अच्छा, 1+1, उसके अब फिर 1+1 कर देंगे। यस यस यस, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉजिक है इसके पीछे। तो जो भी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि जैसे जो सिंगल डिजिट है उनके लिए तो इजीली था, वो उन्होंने निकाल लिया, उन्हें कुछ करना ही नहीं था एक्चुअली, बस लास्ट नंबर ले लेना था। बट जिसका डबल डिजिट में था, उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा था कैलकुलेशन में कि वो कैसे कैलकुलेट करें। मैं वही कहना चाहूंगा कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख सब एक नंबर वाले हैं। 2, 11, 20, 29=2, 3, 12, 21, 30=3, 4, 13, 22, 31=4, 5, 14 and 23=5। इसके साथ साथ आपको देखना है 6, 15 और 24, ये 6 पे जाएगा। 7 की बात करेंगे तो 7, 16 and 25, 7 पे चला जाएगा। 8, 17 और 26, 8 पे चला जाएगा। 9, 18 and 27, 9 पे चला जाएगा।
तो हम एक एक करके सारे नंबर्स पे शुरू मतलब बात करेंगे ब्रीफ में कल से, कल से ब्रीफ में सारी बात करेंगे, एक नंबर से कल से शुरू करेंगे, पूरा सीक्वेंस में चलेंगे ताकि जो भी लोग सीक्वेंस में क्या जानने के लिए तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो अपने डेज पे ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा फोकस करके देख सकते हैं और सारे दिन में भी देखेंगे वो, पर उनका ज्यादा इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली जो उनका बर्थ ऑफ डेट है उस पर आएगा। तो कल हम बात करेंगे एक नंबर पे जी, कल हमारा पूरा फोकस एक नंबर पे रहेगा और ऐसे ऐसे एपिसोड बढ़ता जाएगा, हम हर नंबर को लेंगे। और सर एक नंबर वाले जो भी लोग हमें अभी सुन रहे हैं उनको कुछ इनसाइट आप दे दीजिए एक नंबर के बारे में थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा जो उनके अंदर उत्सुकता है वो थोड़ा बरकरार रहे। जी जी, सो एक नंबर वाले जो हैं दोस्तों ये हमेशा राजा प्रवृत्ति के लोग होंगे, ऐसे लोग जो होंगे वो हमेशा आपको दबंग दिखाई देंगे। लाइफ के अंदर एक नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और देखो सन सिर्फ एक ही है, तो ऐसे लोग हैं वो कभी झुकेंगे नहीं। बाकी तो कल आपको पूरा बताएंगे उनकी और क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है, बट एक नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और लाइफ के अंदर ऐसे लोग बहुत 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 राइज करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, अमिताभ जी का मूलांक है 2 और भाग्यांक है 1, इसीलिए अमिताभ बच्चन जो है वो लाइफ में बहुत राइज कर पाए। 2 और 1 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कल से आपको ये भी बताना होगा कि कैसे आपने अपना मूलांक और भाग्यांक को निकालना है। किसी का जी 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 किसी का कुछ भी मूलांक और भाग्यांक हो सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट पहले आप उसको कैलकुलेट करना सीखो। जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तभी आप अपने बारे में और अच्छी तरह से जानकारी पा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या नंबर है उनका एक्चुअली में, तो तब तक में वो गलत कॉन्सेप्ट लेके बैठे रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा होगा या फिर मेरे लिए ये चीज अच्छी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में जो रूट कॉज है वो क्या है। क्या है, बिल्कुल। सो सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है दोस्तों, इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का भी नाम है अंकों का आशीर्वाद। आप अंकों से जुड़ते जाएं, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे आपके सिग्नेचर हो, चाहे आपकी नीम की स्पेलिंग हो, सब में अंकों का ही आशीर्वाद छुपा है। जब हम पैदा होते हैं तब से अंक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, टिल वी लिव इन दिस वर्ल्ड। सो अंक बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमें समझना है कि हमें किस अंक से दोस्ती करनी है और किससे दूरी बनाए रखनी है। जी तो संदीप जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे हमारे को नंबर 2 से जुड़ी तमाम इनसाइट्स देने के लिए कि कैसे वो किन चीजों में वो लाभदायक है, किन चीजों में वो दिक्कत परेशानी खड़ा कर सकता है हमारी जिंदगी में, और आपने थोड़ा बहुत हमें नंबर 1 के बारे में भी इनसाइट्स दे दिया है। तो हम वेट नहीं कर सकते कि कैसे हम कल आपसे जल्दी से जल्दी जुड़े और जो भी लोग नंबर 1 से रिलेट कर पा रहे हैं खुद को, जिनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर 1 उनका नंबर आ रहा है, वो सारे लोग ही बिल्कुल इंतजार नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा भी आई गेस नंबर 1 ही आता है शायद। तो मेरे को भी थोड़ा ये हो रहा है कि जल्दी से मैं जानूं इसके बारे में और ज्यादा। तो कल हम मिलेंगे और भी ज्यादा इस बारे में बात करेंगे, जितना भी हो सकेगा डिटेल में सारे नंबर को सीक्वेंस वाइज ले चलेंगे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी आसानी रहेगा समझने में। बिल्कुल मैम, कोशिश कल से यही करेंगे कि जो भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं या जो लोग नए जुड़ने वाले हैं उसको इस पूरी साइंस से अवगत करा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको ये भी बता सके कि ये चीज कहाँ पे वो अपने जीवन में बदलाव करेंगे ताकि उनके फ्यूचर के लिए वो चीजें अच्छी होगी। जी जी जी, तो डेफिनेटली मैम कल पूरा हेल्प करेंगे, हर आदमी को एजुकेट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है एजुकेट होना। जितना वो एजुकेट होते जाएंगे उतना उनकी लाइफ में अंकों का आशीर्वाद आता जाएगा। बिल्कुल,
बिल्कुल, और जितना ज्यादा आशीर्वाद आएगा उतना ज्यादा वो अपने लाइफ में फ्लरिश करेंगे, उतना ज्यादा वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। और जब वो अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं आपके भी शुक्रगुजार जरूर होंगे, अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और इससे अगर उन्हें कोई भी लाभ मिलेगा तो। जी, तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल हम इसी वक्त आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। आज कुछ मैं अपने सारे दर्शकों से माफी भी मांगना चाहूंगी कि आज कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिस वजह से थोड़ा ब्रेक हुआ था। कल हम ये सारी चीजों को पहले से ही देख लेंगे ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, और कल दोबारा से जुड़ते हैं और इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका मैम। जय गुरु जी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सर आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। जल्दी मुलाकात होगी दोबारा से कल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।